वाह, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना। ये लड्डू देखने में जितना सुंदर है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। मैं इस लड्डू को बनाना बताऊंगी सारे टिप्स के साथ, ताकि आप बहुत आसानी से इसे बना पाएंगी। इस त्यौहार की मिठाई में इसे भी शामिल कर लीजिए, ये बहुत ही यम्मी लगता है, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कोकोनट लड्डू, जो खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो देर न करते हुए चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 300 ग्राम ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, महीन वाला है ये। आप मोटा और महीन दोनों मिक्स करके भी ले सकती हैं। कढ़ाई को रखेंगे गैस पे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। बिना घी के भी आप बना सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा घी डालने से लड्डू का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने कोकोनट पाउडर बाहर निकाल के रख लिया है, इसका यूज़ मैं बाद में करूँगी, बताऊँगी क्या करना है इसके लिए। इसको चलाएँगे धीमी आँच पर 1 से 2 मिनट। इसको भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा घी अच्छे से मिक्स हो जाए, बस उतना ही भूनना है। उतना भूनने के बाद ये देखिए, मैं चलाते हुए धीमी आँच, बिल्कुल धीमी रहनी चाहिए, नहीं तो तेज़ रहेगी तो कोकोनट का कलर बहुत चेंज हो जाएगा। ये देखिए, 1 लीटर दूध को मैंने जला के 250 ग्राम कर दिया है, उसको पका पका के गाढ़ा कर दिया है। उसी में हम इसको मिक्स कर देंगे, यानी डाल देंगे उसमें हम, और फ्लेम को हाई कर देंगे, और इसको चलाते हुए हम अच्छे से भूनेंगे। आप इसकी जगह खोया भी मिला सकती हैं, या बिना खोया के भी बना सकती हैं। आप जैसे चाहें वैसे इस लड्डू को बनाएंगी, हर तरह से बहुत ही यम्मी लगता है। और ये देखिए, 3 से 4 इलायची लेंगे, उसको हम अच्छे से पीस लेंगे। मिक्सर में डालेंगे थोड़ी सी चीनी और इलायची तोड़ के, और उसको पीस लेंगे, बहुत अच्छे से इलायची पीस जाएगी। 8 से 10 मिनट देखिए भुनने के बाद सारा दूध इसमें से ख़त्म हो गया है। अब इसी टाइम पे देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, सारा दूध ख़त्म हो गया है। इसी टाइम पे हम डालेंगे चीनी। ये 1 कटोरी घर की चीनी है, लगभग 200 ग्राम चीनी है। इतना चीनी इसके लिए काफ़ी है। अगर आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद करती हैं, तो थोड़ी सी चीनी, आधा कटोरी और मिला सकती हैं। अब इसमें हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, उसको भी हम चलाते हुए अच्छे से, चीनी का पानी अच्छे से, देखिए चीनी पानी छोड़ दी है। इसको अच्छे से जला लेंगे पानी को, यानी पानी उड़ने तक हम अच्छे से इसको पका लेंगे, ताकि फिर से बैटर ठीक हो जाए। और धीरे धीरे ये बैटर ठीक हो जाता है। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं कुछ करनी है, बस चलाते रहना है, इसको छोड़ेंगे नहीं हम। ये देखिए, साइड से अब घी छोड़ने लगा है। इसी टाइम पे हम डाल देंगे जो हमने इलायची का पाउडर पीसा हुआ था ना, वो चीनी में जो मिलाया हुआ था, उसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल हलवा की शक्ल का हो गया है। जैसे हलवा कढ़ाई छोड़ने लगता है, सेम वही वैसे ही हो जाता है। ये देखिए इसको, लेकिन लगातार चलाते रहेंगे, कढ़ाई को छोड़ के हटेंगे नहीं। ये देखने में थोड़ा सा ब्राउनिश कलर इसलिए लग रहा है, क्योंकि मैंने दूध, घर का दूध इसको मिलाया हुआ अच्छे से गाढ़ा करके, इसलिए। अगर आप, ये देखिए तेल छोड़ दिया चारों तरफ। अगर आप इस तरह ब्राउनिश कलर नहीं चाहती हैं, तो कोकोनट में 1 कप दूध मिलाइए और चीनी डाल के इसको अच्छे से भून लीजिए। उस टाइम पर ये इस कलर का नहीं रहेगा, थोड़ा सा वाइट कलर बनेगा। अब देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, भून भून के बिल्कुल कढ़ाई की साइड को छोड़ने लगता है। और इसको हम चम्मच में लेके चेक करेंगे, थोड़ा सा बैटर लेंगे इसका और उसको ठंडा कर लेंगे। अगर गोलियाँ अच्छे से बन रही हो, तो समझ लीजिए तैयार है, रेडी है। देखिए, अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल थोड़ी सी भी लग रही हो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। इससे मुझे आगे की रेसिपी के लिए बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अब गैस को मैंने कर दिया ऑफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और इसको लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे। इसको 3 से 4 मिनट लगातार हम चलाएंगे इसको, इससे ये अच्छा क्रम्बली होने लगता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। इसलिए हम अच्छे से चलाते हुए इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा, कढ़ाई में बिल्कुल सिमटने लगेगा अच्छे से। ये देखिए, सारा बैटर इसी तरह हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, कढ़ाई में सिमट रहा है, सारा गोला बनने लगा है। इसी टाइम पर हम इसको निकाल लेंगे एक थाली में, और इसको फैला के पंखे के नीचे आप ठंडा कर लीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए आधा घंटा, ये आराम से ठंडा हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल मैं फैला रही हूँ। इस तरह आप ठंडा कर लेंगे, तो बहुत आसानी से लड्डू बनने लगता है और हाथ जलेगा भी नहीं। जब बैटर पूरी तरह से ठंडा हो जाए, तो हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा घी, और क्या करेंगे, एक नींबू के आकार की इसमें से हम बैटर को ले लेंगे। ये देखिए, और उसकी हम गोलियां बना लेंगे। अभी ये थोड़ा गर्म है,
और ठंडा हो जाएगा तो बहुत आराम से बनने लगता है। नींबू के आकार का लेने के बाद उसकी हम गोलियां बना लेंगे। ये देखिए जो कोकोनट हमने बचा के रखा हुआ था वो इस टाइम पे इसको यूज़ करेंगे। गोलियां बनाते जाएंगे कोकोनट में रखते हुए चारों तरफ इसकी तरफ, इसके ऊपर कोकोनट पाउडर को हम अच्छे से दबाते हुए हाथ में ऐसे उसको लगा लेंगे। ये देखिए मैं जैसे लगा रही हूँ सेम वैसे ही आप लगा लीजिएगा। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से बन जाता है। इसी तरह मैं सारा बना लूँगी, इसी तरह मैं सारा बना के आपको दिखाती हूँ बाद में। देखिए सारा मेरा बन गया है, इतने में लगभग 1 किलो के करीब तैयार हुआ। ये 1 किलो का डब्बा है यानी 1 kg का डब्बा है, उसमें पूरा तैयार हुआ है। इसमें पूरे 16 पीस बन के तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। अब इसको हम गार्निश करेंगे। अगर आपके पास केसर हो तो उसको दूध में भिगा के ऐसे लगा दीजिए। मेरे पास केसर नहीं था तो मैंने फूड कलर पीला वाला घोल के और सब लड्डुओं पर लगा के और बादाम को काट काट के लंबा लंबा उससे मैं सजा दे रही हूँ। आप भी इसकी जगह कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकती हैं, सब में देखने में बहुत अच्छा लगेगा और खाने में तो टेस्टी है। इस तरह फ्रेंड्स बनाइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।